ये देखिए कितना अच्छा कलर आया कंडेंस मिल्क का, कितना गाढ़ा सा, बिल्कुल लग रहा है ना बाजारी जैसे ही। नमस्कार, बड़ी मामा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंडेंस मिल्क बनाने जा रहे हैं। ये बहुत सारी स्वीट्स में, डेजर्ट में, आइसक्रीम्स में, केक में, यहाँ तक कि हम वैसे भी ब्रेड पे भी लगा कर खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज हम इसे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध लिए, या कोई सा भी दूध ले सकते हैं जो आपके घर में आता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमें टोंडी लेना या फुल क्रीम लेना है, कोई भी दूध चलेगा। मैंने 1 किलो दूध लिया है, 400 ग्राम के करीब मैं चीनी ले रही हूँ और बेकिंग सोडा ले रही हूँ। बस ये 3 चीजों से हमारा कंडेंस मिल्क बाजार जैसा बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। गैस पे मैंने दूध रख दिए, दूध के साथ ही हम चीनी को मिक्स कर देंगे, इसको साथ मिला लेंगे और इसको साथ साथ चलाते ही रहेंगे। अगर गैस आप हाई पर बना रहे हैं तो बिल्कुल हाथ को रोकना नहीं है, क्योंकि दूध साथ लगना नहीं चाहिए और इसके ऊपर मलाई भी नहीं चाहिए। हिलाते रहेंगे तो मलाई नहीं जमेगी, नहीं तो अगर हम ऐसे सिम पे रख देंगे और हिलाएंगे नहीं तो वो मलाई की एक तह बन जाएगी जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें रबड़ी नहीं बनानी, कंडेंस मिल्क बनाना है। तो इसको चलाते हुए ही बनाएंगे। और मैंने चीनी इसी में साथ डाल दी है, चीनी डालते हुए इसलिए पका रही हूँ कि आपने जो कंडेंस मिल्क में जो क्रीमी टेक्सचर आता है वो चीनी और दूध को एक साथ मिला के आता है। बस इसको हमने तकरीबन आधे से भी थोड़ा सा और कम, हमें इसको कम कर देना है, इसका रिड्यूस कर देना है दूध को। तो बस इसको चलाते रहिए और हिलाते रहेंगे, हिलाना ज़रूरी है, नहीं तो साथ लग जाएगा और मलाई नहीं आनी चाहिए। बस इसी एक दो चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हम डाल नहीं रहे हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। पर बाजार से जब हम ये कंडेंस मिल्क लाते हैं तो बहुत ही महंगा मिलता है। तो अब आप देखिए, हम थोड़ी सी ही मेहनत और थोड़ी ही चीज़ से हम कितना अच्छी चीज़ बना घर पे बना सकते हैं। ये देखिए, इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है, ये आप देख रहे होंगे झाग सी बनी हुई। बस ये भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, उबाल आने के बाद थोड़ा सा कलर भी चेंज हो रहा है, जब ये बिल्कुल कम हो जाएगा। बस इसको हिलाते रहिए, उबलना नहीं चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए और साइड से भी इसको बिल्कुल कवर करते जाइएगा, गाढ़ा करने होने देंगे और इसको ऐसे साथ साथ हिलाते रहिए। ये एक कलर हमारा चीनी साथ में डालने से, जब चीनी मिक्स हो गई है अच्छी तरह से, इसकी वजह से ये कलर आया है, हमने कुछ और नहीं डाला है। अब यही टाइम है हमारा बेकिंग सोडा डालने का, तकरीबन बिल्कुल थोड़ा सा ही लेंगे, 2 पिंच के करीब, और इसको मिला देंगे। और बस अब इसको, ये देखो झाग डालते ही झाग आनी शुरू हो गई है, मैंने गैस सिम पे कर दी है और इसको साथ साथ हिलाते रहिए। यहीं देखिएगा कि ये दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बस इसको अब छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, दूध को हिलाते रहेंगे और साइड से भी ज़रूर इसको उतारते रहिए, साइड जमनी नहीं चाहिए। ये देखिए, आप कढ़ाई से मेरा अंदाज़ा लगा रहे होंगे, जब मैंने दूध डाला था तो यहाँ पे था, और ये देखिए काफ़ी आधे से भी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। बस यही टाइम है कि मैं इसको बंद कर दूँगी, मैंने बताया कि ज़्यादा नहीं ही गाढ़ा करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये अपने आप अपना गाढ़ा हो जाएगा। बस गैस बंद कर रही हूँ मैं और इसको ठंडा होने देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया कंडेंस मिल्क का, कितना गाढ़ा सा, बिल्कुल लग रहा है ना बाजारी जैसे ही, बिल्कुल इसी तरह से ही आप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाते हुए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप, कि ये दूध हम कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं, टोंड भी ले सकते हैं, या जो भी घर में हमारे आता है वो वाला भी ले सकते हैं, फैट वाला भी मिल्क यूज़ हम कर सकते हैं। इसको जब हम बनाएंगे, एक तो खुले बर्तन में कढ़ाई या खुले पैन में बनाएंगे, पतीले में थोड़ा सा बनने में थोड़ा सा आपको साइड लगने का डर रहता है, तो इसलिए कढ़ाई वगैरह या पैन में बनाइएगा और इसको चलाते रहिएगा, बीच में हाथ रोकना नहीं है। ये कंडेंस मिल्क हम किसी भी स्वीट्स, डेजर्ट, केक्स वगैरह में डाल के बना सकते हैं। तो अब हमें बाजार से कंडेंस मिल्क लाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हम घर पे बना सकते हैं इसको। मेरे देवी को तो ये इतना अच्छा लगता है, वो तो रोटी और ब्रेड पे भी लगा के वो बड़े आराम से खा लेता है। जब इसको हम फ्रिज में रख देंगे तो थोड़ा सा और गाढ़ा और ठंडा ठंडा हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल रबड़ी सा टेस्ट आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ लगी बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, थैंक यू।